सपोज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस from द अर्थ द ऑर्बिटल velocity ऑफ ए सैटेलाइट इन सच ए केस वेरीज एट एज nth power पावर ऑफ डिस्टेंस n एन इज इक्वल टू ठीक है सिचुएशन क्या वो समझते हैं जैसे मान लिया ये एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है और सेंटर में मान लिया ये अर्थ है इसका मास एम है और ये डिस्टेंस है आर और यहाँ पे एक स्मॉल एम मास की सैटेलाइट घूम रही है किसी ऑर्बिटल स्पीड वी से V कह देते हैं यही आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस के साथ इसका फंक्शन क्या होगा तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है इसमें फोर्स बैलेंस की इक्वेशन होती है कि अंदर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिफिकल फोर्स को बैलेंस करेगा या अंदर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही एम मास को वी स्क्वायर बाई आर का सेंट्रीफिकल एसोलेशन प्रोवाइड करेगा ठीक तो अंदर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा तो वो होगा जी एम एम और कह रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस की पार वन के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है सली कह रहे हैं स्क्वायर के साथ इन्वर्सली नहीं है सीधे कह रहे हैं इन्वर्सली तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये बैलेंस करेगा सेंटिफिकल फोर्स को यानी एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर को तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो जैसे ही आर कैंसिल आउट हो गया तो एक बात हमको समझ में आई कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है एम से एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा और वो आ रही है रूट जी एम यानी डिस्टेंस की पावर जीरो के, के साथ वो वेरी कर रही है एन एथ पार कह रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो बी पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सेस स्पीड अप सच दैट मैन ऑन द इक्वेटर बिकम्स वेटलेसनेस वेटलेस हो गया इक्वेटर पे जो पर्सन है तो इफेक्टिव ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है इक्वेटर पे इफेक्टिव ग्रेविटी जो होती है इक्वेटर पे या जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर लेमडा कॉस स्क्वायर थीटा थीटा जो है वो लेटिट्यूड का एंगल है और इक्वेटर की बात करेंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो वन होता है तो ये पूरा फैक्टर तो हो गया वन ठीक है तो इक्वेटर के लिए जो इफेक्टिव ग्रेविटी का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है आपका जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और आप कह रहे हैं कि अर्थ इतना तेज घूमे ताकि इक्वेटर पे इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो जाए इक्वेटर पे जो पर्सन है वो वेट लेस हो जाए इसका मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू हो जानी चाहिए जीरो तो यहाँ से अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट जी नॉट बाई आर अंडर रूट जी बाई आर और आपसे पूछ रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ वन डे यानी टाइम पीरियड पूछ रहे हैं तो ओमेगा को लिखेंगे हम टू पाई बाई टी तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आपका आ जाएगा टू पाई अंडर रूट आर बाई जी so your answer is a part the rotation of earth having radius r about its axis speed up to a value such that a man at latitude 60 degree feels weightlessness ठीक फिर से सेम फॉर्मूले ही एप्लीकेबल होगा g इफेक्टिव जो हो रहा है वो आपका हो रहा है g नॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और थीटा यहाँ पे जो है लेटीट्यूड का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया है और उस एंगल पे वेटलेसनेस फील करनी यानी ये इफेक्टिव ग्रेविटी तो उस एंगल पे जीरो होनी चाहिए तो हमसे ड्यूरेशन ऑफ डे फिर से वही पूछ रहे हैं ओमेगा ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड निकालेंगे तो जी नॉट जो आ रहा है वो आपका आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस सिक्सटी जो होता है वो होता है हाफ और उसका स्क्वायर करेंगे तो वन बाई हो जाएगा तो ओमेगा यहां से आपका आ जाएगा अंडर रूट फोर जी नॉट बाई आर जी नॉट या जी यहाँ पे वो जी कह रहे हैं इसको और ओमेगा की वैल्यू कितनी है टू पाई बाई टी तो ये फोर बाहर अंडर रूट के आगे टू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो टाइम पीरियड आपका आएगा वो आ जाएगा पाई अंडर रूट आर बाई जी नॉट जी नॉट या जी सो योर आंसर इज ए पार्ट एज्यूमिंग द रेडियस अर्थ की रेडियस आपको दी है और टाइम पीरियड पूछ रहे हैं उस सैटेलाइट का जिस जो और टाइम पीरियड और स्पीड दोनों निकालनी है उस सैटेलाइट की जिसकी ऑर्बिट की रेडियस दी है कि 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन पावर थ्री किलोमीटर एवव द सरफेस ऑफ अर्थ ठीक यानी अगर हम उसकी रेडियस निकालें कितनी हो जाएगी तो अर्थ की रेडियस की आर प्लस एच का फॉर्मूला लगाएंगे अर्थ की रेडियस है 6.4 पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर्स और हाइट जो दी है वो दी है 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर थ्री किलोमीटर टेन की पावर थ्री किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो टेनज पॉल सिक्स मीटर हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा सेवन पॉइंट एट इन टेन एज पावर सिक्स मीटर ये आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर उस ऑर्बिट की रेडियस अब टाइम पीरियड निकालना और स्पीड निकालनी है तो अब ये कैलकुलेट आपको खुद ही करना है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका फोर पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इन टू आर क्यूब ठीक है ये टाइम पीरियड तो यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो अंडर रूट लगा के और ऑर्बिटल स्पीड या फिर पहले ऑर्बिटल स्पीड निकाल देते हैं तो तो टाइम पीरियड और आसानी से मिल जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते टाइम पीरियड का ठीक है पहले हम ऑर्बिटल स्पीड निकालते हैं ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडरवुट जीएम आई आर तो यहां पे हम अर्थ की रेडी अर्थ की क्या अर्थ का मास यहां डालेंगे और सेटेलाइट की रेडियस यहाँ डालेंगे और ये सॉल्व करके आप निकालोगे ऑर्बिटल स्पीड और एक बार ऑर्बिटल स्पीड पता लग गई तो टाइम पीरियड निकालना कोई दिक्कत नहीं है फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे टू पाई आर अपॉन वीन नॉट तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव है सारी वैल्यू डालकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कैलकुलेशन वाइज ठीक है कंसेप्ट वाइज तो सिंपल ही है आपको डिस्टेंस पता है और आपको वेलोसिटी और टाइम पीरियड फाइंड करना है इसमें कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो जी एम वन एम टू अपॉन आर टू पावर एन का अगर फॉर्मूला हो जाए तो टाइम पीरियड जो है वो आर की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा तो बहुत ही आसान है अंदर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर टू पावर एन किसको बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर हम फेवर करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर क्योंकि हमें ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड निकालना है ठीक है तो हम लिखेंगे एम r ओमेगा स्क्वायर तो स्मॉल m से सैटेलाइट के मास से सैटेलाइट का मास कैंसिल आउट हो गया तो जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 अपॉन r की पावर n plus 1 के तो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 अपॉन r की पावर n 1 2 के और ओमेगा होता है 2 पाई t तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा r की पावर n 1 2 के तो क्या आंसर बनेगा इसका इसमें से कोई भी आंसर नहीं है एक्चुअली जो ट्वेंटी क्वेश्चन है वही ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन है ठीक है ट्वेंटी एट है वही ट्वेंटी नाइन्थ है बट ट्वेंटी एट के आंसर ठीक नहीं है ट्वेंटी नाइन्थ के जो है वो आंसर ठीक है आंसर बनेगा एन प्लस वन की अपॉन टू आर की पावर एन प्लस वन बाई टू सो योर आंसर इज ए पार्ट अगला क्वेश्चन करते हैं ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ विद ए वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द एस के एस के वेलोसिटी के आधी वेलोसिटी से हमने फेंका है और कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ये वो पूछ रहे हैं तो बना लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है वैसे आपको ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ से हमने फेंका है एसके वेलॉसिटी की आधी वेलासिटी से और ये पूछ रहे हैं कितनी हाइट ये अटेन करेगा तो जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इनिशियल कहां एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वी है वी बाई टू का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम बाई आर अर्थ की सरफेस से फेंका है फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो वो हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच तो यहां से बस वी की वैल्यू डालो वी की वैल्यू क्या डालोगे वी होता है अंडर वो टू जी एम बाई आर तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा तो वो जाएगा टू जी एम बाई आर ठीक ये सारी वैल्यू डालो थोड़ी सी कैलकुलेशन है जी एम एम जी एम एम ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन है और आपको एच यहां से मिल जाएगा ए पार्टिकल वुड टेक ए टाइम टी टू मूव डाउन ए स्ट्रेट ट्यूब फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू इट सेंटर ठीक अर्थ के अगर हम टनल बनाए तो अर्थ की सरफेस से सेंटर तक पहुंचने का टाइम जो है उसका नाम रखा है टी सेंटर सरफेस से सेंटर तक पहुंचने का टाइम तो ये टी हमें पता है क्योंकि अगर हम तर, अगर पूरी टनल बना के एक पार्टिकल को छोड़ दें उसमें सरफेस से तो ये सरफेस टू सरफेस सरफेस टू सरफेस एस एच एम करता है और उसका जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो होता है टू पाई अंडर रूट आर बाई जी अर्थ के अंदर अगर हम टनल बना दें तो अब आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं सरफेस से, से सेंटर तक का मतलब एक्सट्रीम पोजिशन से मीन पोजिशन तक का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं तो वो तो टी बाई फोर हुआ यानी अपॉन फोर करेंगे तब ये टाइम आपका कितना आ जाएगा टी तो टी आपको पता है अब क्या कह रहे हैं आगे समझते हैं इफ ग्रेविटी वर टू रिमेन कॉन्स्टेंट देन द टाइम वुड बी टी डैश ये टी डैश होगा यहां पर अगर कह रहे हैं अगर पूरे रीजन में ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहे जी की वैल्यू पर ही रहे तो टाइम टी डैश लग रहा है तो वो तो हमें फॉर्मूला वैसे ही पता है अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी में कोई वैल्यू एच हाइड गिरती है तो जो टाइम लगता है जिसका नाम टी डैश रखा है वो होता है अंडर वोट टू एच बाई जी अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म ग्रेविटी में अगर कोई बॉडी एच हाइड गिरती है तो अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी में अगर अर्थ की रेडियस के बराबर गिरेगी तो अंडर वोट टू आर बाई जी हो जाएगा ये तो ये हो गया टी डैश और ये हो गया टी और आपसे टी और टपॉन टी डैश का रेशियो फाइंड करने को कह रहे हैं तो जरा देखते हैं क्या आने वाला है तो ये टू से टू कैंसिल टू से कैंसिल आउट हुआ टू बचेगा यहां पे तो टी की वैल्यू आ रही है पाई बाई टू अंडर रूट आर बाई जी और टी डैश है वो है अंडर रूट टू टाइम्स आर बाई जी तो अंडर रूट आर वाई जी से अंडर रूट आर वाई जी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो ये आंसर बना पाई अपॉन टू रूट टू सर इज ए पार्ट एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज द एसलेन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की रेडियस एच हाइट पर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जी एसलेन ड्यू टू ग्रेविटी है तो फिलोसफी पूछ रहे हैं सैटेलाइट की कितनी होगी ठीक है जी के टर्म्स में पूछ रहे हैं तो बहुत ही आसान है सेटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल स्पीड वो होती है अंडरवुड जी एम बाईर और आर की जगह क्या लिखोगे आर प्लस एच लेकिन आपको स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना है और एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी वो एट द सर्फेस ऑफ अर्थ है तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड तो ये जो फैक्टर है जी एम बाई आर स्क्वायर ये ये पूरा बनेगा स्मॉल जी तो ऑर्बिटल स्पीड जो आपके आएगी वो आएगी अंडर रूट के अंदर स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड सो योर आंसर इज डी पार्ट ए बॉडी विच इज इनिशियली एड्रेस एट ए हाइट आर अव द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रीली टूवर्ड द सेंटर और टुवर्ड द अर्थ देन इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ अर्थ के सर्फेस तक पहुंचते पहुंचते क्या वेलोसिटी होगी फिर से एनर्जी कंजर्वेशन है एक बॉडी जो है वो अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे है यहाँ और यहां से इसको रेस्ट से गिराया गया और जब ये सरफेस को हिट करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी का सम और नीचे टोटल एनर्जी का सम सेम ही रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी माइनस जी एम एम बाई टू आर और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो इज इक्वल टू सरफेस पे जब हिट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस जी एम एम बाई आर और काइनेटिक एनर्जी स्पीड ही तो आपको निकालनी है हाफ एम वी स्क्वायर ये वी तो आपको फाइंड करना है तो ये एम एम और एम ये कैंसिल आउट इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस प्लस जीएम बाई आर होगा और माइनस जीएम बाई टू है यहां पे माइनस जीएम बाई टू आर ये प्लस जीएम बाई आर तो ये जी एम बाई टू आर बचेगा इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर तो हाफ से भी हाफ कैंसिल आउट हो गया तो अर्थ की सरफेस पे हिट करने से पहले उसकी जो स्पीड होगी वो होगी अंडरवुड जीएम बाई आर अच्छा स्मॉल जी के टर्म्स में चाहिए इनको तो ऐसा करते हैं एक आर से मल्टीप्लाई एक आर से डिवाइड तो एम बाई आर स्क्वायर तो हो गया स्मॉल जी तो रूट जी आर आंसर बनेगा आपका सो योर आंसर इज बी पार्ट प्लानाउंड ए सन ऑफ मास कैपिटल एम इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो एक प्लान है वो मूव कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दी है आपको आर वन और आर टू रिस्पेक्टिवली और टाइम पीरियड पूछ रहे हैं क्या होगा तो इलिप्टिकल पहले एक ऑर्बिट बनाते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा मान लिया इलिप्टिकल ऑर्बिट है और उसमें सन मान लिया यहां है सन के और प्लान घूम रहा है और मैक्सिम डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है ये है आर वन और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये है आर टू और टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं तो कैप्लर लॉ ये कहता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ये है कैप्लोर लॉ कितनी होगी तो पहले ये बताइए मेजर एक्सिस कितनी है तो इसकी ये जो ये जो पूरी एक्सिस होती है ये है मेजर एक्सिस और ये आर वन प्लस आर टू के बराबर है तो सेमी मेजर एक्सिस होगी आर वन प्लस आर टू बाई टू यानी जो होगी वो आपकी आएगी आर वन प्लस आर टू बाई टू ये आएगी तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हुआ आर वन प्लस आर टू बाई टू के क्यूब के तो अगर टी पूछा जाएगा टी किसके प्रोपोर्शनल है तो उसकी पार थ्री बाई टू हो जाएगा अब अपॉन टू अपॉन टू ये जो है ये क्या है तो ये तो भाई कांस्टेंट ही है तो हम लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू आर वन प्लस आर टू की पार थ्री बाई टू सो योर आंसर इज बी पार्ट रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर विद इनिशियल वेलोसिटी वी इनिशियल वेलोसिटी वी से हमने फायर किया आर रेडियस की अर्थ से रॉकेट को ठीक है और एटमोस्फेयर का रेजिस्टेंस हमें निगलेक्ट कर देना और मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं कितनी होगी ठीक है तो वी सिंपल क्वेश्चन है और इसको जो रिजल्ट आएगा उसको फॉर्मूले की तरह हम याद भी रख सकते हैं कि हम वी स्पीड से फेंकें तो कितनी हाइट तक जाएगा तो कुछ चीजें क्लियर हैं अगर हम वेलॉसिटी की वैल्यू डालें जीरो तो हाइट भी आपकी जीरो आनी चाहिए ठीक है ऐसा सब में आएगा लेकिन हम एक वेलोसिटी जानते हैं जो हमने अभी चेक करी थी कि अगर हम उसको एस के वेलोसिटी से फेंकें के वेलोसिटी होती है अंडर रूट टू जी आर स्मॉल जी के टर्म्स में तो उसकी हाइट जो आनी चाहिए वो इन्फाइट आनी चाहिए ठीक अब जरा देखते हैं ये किस में सेट होगा इसमें तो होगा नहीं सेट वी की वैल्यू अगर, अगर अंडर वो टू जी आर डालोगे तो आर बाई टू आंसर आ जाएगा इसमें आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा तो ये तो बनेगा नहीं इसमें डाले हैं, हम वी की वैल्यू अंडर रूट टू जी आर तो वी स्क्वायर टू जी आन माइनस वन जीरो समथिंग अपॉन जीरो विल टेन टू इन्फेनाइट यानी आंसर इसमें भी इन्फेनाइट आएगा और इसमें भी इन्फेनाइट आएगा बट ये डायमेशनली गलत है क्योंकि एच की जो डायमेंशन है वो आर स्क्वायर की डायमेंशन से थोड़ी ना कनेक्ट होगी एच की डायमेंशन तो आर की डायमेंशन से कनेक्ट होगी तो ये वाला डायमेंशनली करेक्ट है और नीचे वाला डायमेंशनली गलत है तो हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से हमें आंसर मिल गया ए पार्ट अब आगे के लिए चाहो आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो कि एच जो होता है वो किसका होता है आर अपॉन और यहां पे है टू जी आर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन वी की स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो कितनी हाइट अटेन करेगा तो वो ये रिजल्ट है ये रिजल्ट आप कई कई क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट यूज भी हो जाता है बजाय की एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कई बार हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको स्पीड पता हो तो हाइट बता सकते हैं टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम गो राउंड ए सर्कल ऑफ ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ढंग से समझना क्या हो रहा है यहां पे मान लिया पे दो पार्टिकल हैं एक पार्टिकल तो है यहाँ और एक पार्टिकल है यहाँ और ये यह अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ एक दूसरे एक दूसरे की हेल्प से ही सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मान लिया ये पार्टिकल भाग रहा है नीचे की तरफ तो ये पार्टिकल कहां भाग रहा होगा ऊपर की तरफ और ऐसे और इन पे जो बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किससे बैलेंस होगा वो अंदर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस होगा तो दोनों का मास M और और M दिया है और ये रेडियस में घूम रहे हैं तो इनकी स्पीड पूछ रहे हैं स्पीड कितनी होगी सिमेट्रिक सिचुएशन है दोनों की स्पीड सेम होगी और लॉजिक यही है कि, कि किसी भी पार्टिकल पे अंदर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा तो अंदर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज टू आर ज इक्वल टू भार लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर यह होगा एम से एम कैंसिल आउट आपको स्पीड चाहिए एक आर से एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो वी स्क्वायर आ रहा है वो आपका आ रहा है जी एम अपॉन फोर आर एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी कितना आएगा अंडर रूट जी एम बाई फोर आर सो योर आंसर इज अंडर रूट जी एम बाई फोर आर सो योर आंसर इज सी पार्ट क्योंकि फोर में से टू जो है वो बाहर आ जाएगा सपोज ए स्मूथ टनल इज डग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट इट्स वन एंड एज्यूम मास् ऑफ द अर्थ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम ठीक है तो ये हमको पता है कि अगर ये अर्थ है मान लिया और उसके अंदर बनाइए एक टनल और टनल में अगर हम एक पार्टिकल गिरा दें तो वो क्या करता है वो आपका एस एच एम करता है यहां पे एक हमने क्या बनाई टनल बनाई है ये इस तरह से तो यहां से अगर हम पार्टिकल गिराएंगे तो ये क्या करेगा ये एस एच एम करेगा द पार्टिकल विल इमर्ज फ्रॉम द अदर एंड विद वेलोसिटी गलत है ये अब अदर एंड से इमर्ज नहीं करेगा यहां पे बीच में क्या होगी इसकी मीन पोजिशन और मीन पोजिशन के अबाउट ये ऑसोलेट करेगा और ये एक्सट्रीम पोजिशन है और ये वाली भी क्या होगी एक्सट्रीम पोजिशन तो जब यहां पहुंचेगा तो एक मोमेंट के लिए कहां आएगा रेस्ट में और अर्थ, और, तो और अर्थ का सेंटर को वापस खींच लेगा और यहां पहुंचेगा तो यहां भी एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा अर्थ का सेंटर वापस खींच लेगा अर्थ के सेंटर के अबाउट ये क्या कर रहा होगा एस एच एम कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा होगा उसका टाइम पीरियड भी बताया टीज गोल टू पाइंडरूड आर बाई जी अराउंड एट्टी फोर पॉइंट सिक्स मिनट के आसपास वो आंसर आता है तो पहला वाला तो गलत हो गया द पार्टिकल यहां ओवरलैपिंग लिखा है, गलत है द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट टनल सेंट, के सेंटर में रेस्ट में नहीं आया तो जीरो होगा तब तक आ हो जिसकी ये दूसरी साइड में भाग जाएगा तो ये भी नहीं आंसर बनेगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो ऑफ द टनल इफ इट इज अलोंग द डायमीटर क्या वो अर्थ के सेंटर पे क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी बिल्कुल नहीं जीरो होगी अर्थ के सेंटर का पोटेंशियल जीरो नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे जीरो होगी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो अर्थ के सेंटर का पोटेंशियल होता है माइनस थ्री बाई टू टाइम जीएम बाई आर यह अर्थ के सेंटर का पोटेंशियल है और उसमें पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एट द सेंटर ऑफ अर्थ और वो जीरो नहीं है अगला क्या है एसोलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू इट डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टनल बिल्कुल सही कह रहे हैं एसोलेशन जो है वो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनल होगा हमें याद है वो एसोलेशन एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो होता है जी एम आर अपॉन आर क्यूब या जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब एक्स जो है वो कहां से डिस्टेंस है वो सेंटर से डिस्टेंस है तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड रीजन में एक्स के या आर के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है एक्स या आर डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ तो आपका आंसर क्या बनेगा डी पार्ट और प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट होता है अगर हम पूरा वेक्टर बना के लिखेंगे तो एक माइनस साइन भी लगाएंगे ठीक है अपोजिट मतलब अगर पार्टिकल यहां होगा तो एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा एसोलेशन होगा नीचे की तरफ सेंटर की तरफ ए सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद ए डायमीटर ऑफ ऑर्बिट टू आर एट ए सर्टेन पॉइंट ए रॉकेट फिक्स टू द सैटेलाइट इज फाइड सच दैट सच दैट इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट टेंजेंशियली ठीक है और रिजल्टिंग ऑर्बिट में क्या होगा जरा ये पूछ रहे हैं तो जरा ढंग से समझिए क्या हो रहा है जैसे मान लिया ये है अर्थ और इसके अराउंड जो है वो एक सेटेलाइट है वो इस तरह से घूम रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है पहले सेटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है पहले जो सेटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है इस तरह से घूम रही है और उसका डायमीटर टू आर दिया है मतलब कुछ दिया है रेडियस वगैरह आपको दी है अब क्या है कि यहाँ पे जब वो सैटेलाइट चल रही थी तो अचानक से आपने रॉकेट फायर करके उसकी स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड बढ़ा दी तो होगा क्या तो स्पीड टेंजेंशली जब बढ़ेगी तो ये थोड़ा दूर तक चली जाएगी इस तरह से और ये ऑर्बिट जो सर्कुलर था वो कैसे ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा ये थोड़ा दूर तक जाएगा थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा ये इस तरह से दूर तक जाएगा और इस तरह से ये इस तरह से ये भी ठीक नहीं है एक सर्कल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से और मिनिमम डिस्टेंस वही रहेगी जो कि टू आर थी ठीक है और इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगी आर के बराबर टू आर तो डायमीटर था तो आर क्या होगी रेडियस तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आर के बराबर रहेगी जबकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट होता जाता है तब तक कन्वर्ट होगा जब तक कि आपने स्पीड बढ़ा के एस के वेलोसिटी के बराबर ना कर दिया अगले क्वेश्चन में मास और अर्थ और मून का मास दिया एम जो है वो अर्थ का मास है और मून का मास वन बाई एट्टी वन टाइम्स है और दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो सिक्सटी आर है तो आपसे वो रिज वो पॉइंट पूछ रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों का कैंसिल आउट कर दे मून के सेंटर से पूछ रहे हैं ठीक है तो ऐसे बना लिया मान लिया ये अर्थ है अर्थ का मास एम है ये मून है मून का मास है एम बाई एट्टी वन उनके बीच में जो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो सिक्सटी आर है तो यहां पे ऐसा कहीं पॉइंट मिलेगा मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे तो ये बनेगा सिक्सटी आर माइनस एक्स ताकि वहां पे नेट फील्ड क्या हो जाए जीरो हो जाए इसका मतलब अर्थ का फील्ड और मून का फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो अर्थ का फील्ड कितना होगा तो वह जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर आर तुम्हारा कितना है सिक्सटी आर माइनस एक्स का स्क्वायर और यही किससे बैलेंस हो जाना चाहिए मून की फील्ड से मून का फील्ड कितना होगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर एम की जगह डालेंगे एम बाई एट्टी वन डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर अब जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो गया अब अंडर रूट ले लेते हैं तो इधर तो आ जाएगा आपका सिक्सटी आर माइनस एक्स और यहां जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका वन बाई नाइन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नाइन एक्स और इधर ये माइनस एक्स उधर पहुंचकर टेन एक्स टेन एक्स सिक्सटी आर है तो एक्स जो आ जाएगा सिक्स आर आ जाएगा यानी मून के सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी मून के सेंटर से वो सिक्स आर के बराबर होगी वट इज द एनर्जी रिक्वायर टू लॉन्च ए एम के जी सेटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड टू आर एल्टीट्यूड टू आर आर अर्थ की रेडियस है ये मान लिया अर्थ है ये आर जो है वो अर्थ की रेडियस है और यहाँ से हम एक सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और इसको टू आर के एल्टीट्यूड में सेट करना है टू आर के रेडियस में हमने इसको सेटेलाइट बना देना है ऐसे तो कितनी एनर्जी लगेगी कितना एनर्जी लगेगी ये पूछ रहे एनर्जी कितनी लगेगी तो कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के एक तरीका हो सकता है टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल इंक्रीज इन एनर्जी टोटल इंक्रीज इन एनर्जी वहां से भी कर सकते हैं और अगर आप स्टेप्स में करना चाहो तो पहले यहां से हाथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ानी पड़ेगी वो फिर इसमें कितनी कारेंटिक एनर्जी देनी पड़ेगी वो वहां से भी वही आंसर आएगा मैं एक ही स्टेप में करता हूँ टोटल इंक्रीज इन एनर्जी तो फाइनल एनर्जी में जो है टोटल एनर्जी होगी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होगी फाइनल माइनस सिस्टम की और पार्टिकल की या जो भी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होगी इनिशियल तो फाइनली तो वो घूम रहा है तो घूम रहा है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर और आर जो है वो कितना होगा तो सेंटर से डिस्टेंस थ्री आर के बराबर हो गया ये टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट है फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी क्या डालेंगे तो इनिशियल तो ये पार्टिकल सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस पर रखी है तो ये सैटेलाइट की तरह घूम ही नहीं रही है तो सिंपल एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट में और सरफेस पर रखा है तो उसके पास तो टोटल एनर्जी के नाम पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस वन बाई सिक्स और ये है वन तो ये आ जाएगा फाइव बाई सिक्स टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर अब अगर इसको स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करो आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड जी एम बाई आर स्क्वायर जो है स्मॉल जी है तो ये आपका आंसर बनेगा फाइव बाई सी आर सो योर आंसर इज सी पार्ट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज एल कोई सैटेलाइट है मान लिया अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है किस रेडियस में घूम रही है आर की रेडियस में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर है और ये घूम रही है कोई सैटेलाइट एम मास की सैटेलाइट है वी की स्पीड से घूम रही है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है एल की वैल्यू क्या होगी एम वी आर अब कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज टू सिक्सटीन आर डिस्टेंस अगर हम सिक्सटीन आर कर देंगे तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ऐसा वैल्यू तो तो क्या होगी अंडर रूट जी कैपिटल एम बाई आर और ये आर तो यहां से ही समझ में आ रहा है कि जो एल है वो अंडर रूट आर के प्रोपोर्शनल आ जा रहा है तो डिस्टेंस को अगर आप सोलह गुना करोगे तो एंगुलर मोमेंटम डिस्टेंस को अगर हम 16 गुना करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो चार गुना हो जाएगा सो योर आंसर इज डी पार्ट